अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो तुर्री है। तो कुछ लोग इस नाम से अनजान होंगे, लेकिन ये हमारे तरफ बना करती है ड्राई फ्रूट से, तो इसे तुर्री बोलते हैं वैसे तो। और ये रमज़ान में और जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए बनती है, रमज़ानों में बनती है, खास करके सहरी में खाने के लिए होती है, और पूरी ड्राई फ्रूट से ही बनती है। और इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्कुल पेस्ट की तरह से बना के ली जाती है लिक्विड के तौर पे, तो ये बहुत ही मतलब अच्छे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही असरदार हो जाती है। तो ये रेसिपी है आज हमारी, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ जाने वाली है, कैसे बनती है। और बहुत ही आसानी से बन जाती है, बस चीज़ों को भिगाना है और पेस्ट बनाना है, और उसके बाद देसी घी में उसको थोड़ा सा छौंकना है, और लौंग इलायची के साथ इसका हमको छौंक लगाना है। तो इलायची कम होती है इसमें आयरन की वजह से, हम आयरन लौंग में बहुत होता है तो आयरन का यूज़ ज़्यादा होता है। इलायची हमने जैसे 4 ली है तो 10 हमने लौंग ली है, और इतने सामान में बहुत हमारा करीब 1.5-2 लीटर हमारा ये बन जाएगा, तूरी बन जाएगी, पानी डाल के बनती है। और उसके लिए चीनी तो हल्की ली जाती है, वैसे ये अपना चीनी और नमक का तो वही मामला होता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो और ये कुछ 10-12 छुहारे होंगे, इसे भी मैंने भिगा लिया है अच्छे से, और खसखस है करीब 3 टेबल स्पून खसखस है, जो कि हम इसको सूखा ही रखा है, क्योंकि ये पीसने के बाद कोई सिलबट्टा तो है नहीं जो बारीक हो जाए, तो इसे हम सूखा ही ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में। तो सूखा ग्राइंड कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा पाउडर बन जाएगी। बाकी ये हमारी गरी है नारियल के, जो सूखे गोले आते हैं उसको मैंने उसका काला ऊपर का कवर छील के छिलका उसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, और मखाने हैं। तो गरी हमारी करीब होगी 50 ग्राम, और मखाने होंगे मुश्किल से 25 ग्राम। तो ये भी मैंने भिगा लिया अच्छे से 4 घंटे तक, और ये हमारे ने प्लेट में रखे हैं सूखा कुछ, जिसमें ये चारों करीब मगज़ हैं ये, और थोड़ी सी हमारी ये चिरौंजी है, बादाम है, होंगे करीब 25 ग्राम होंगे, 20 ग्राम होंगे, काजू है इस तरह से, अगर अदद से लिया जाए तो शायद ये 25-30 होंगे, काजू भी ऐसे ही 25-30 होंगे। तो बस इसी मकदार के हिसाब से मेन तो इसमें काजू, बादाम और गरी और मखाने हैं और खसखस है, बाकी अपने हिसाब से हम कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें से, कुछ चीज़ें कम भी कर सकते हैं, तो ये बन जाती है, तो अपने ऊपर है। तो बस यार सारी चीज़ों को बहुत ही बारीक पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपना बादाम छील लेते हैं, पानी खोलते पानी डाल के तुरंत बादाम छिलका निकल जाएगा, और ये सारी चीज़ें पीस लेते हैं, इसको हम सूखा ग्राइंड कर लेते हैं, और सभी चीज़ों को ही हम पेस्ट बनाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं और इसको आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको काफ़ी बारीक सा पेस्ट बना लिया है सभी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, छुहारा, बादाम और काजू और मखाने हैं, और ये अपने खसखस और चारों मग्ज़ है जिसको मैंने पहले सूखा ग्राइंड किया, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल के भी इसको बारीक कर दी, काफ़ी बारीक करने की कोशिश की आई ये हमने। तो इसी तरह से आप भी अपना खूब जितना बारीक हो सके, क्रीम की तरह पेस्ट की तरह से बिल्कुल एक पैन काफ़ी लेंगे बारीक उसको, बना। उसमें हम घी डालेंगे थोड़ा सा, करीब 1 टेबल स्पून करीब घी डालेंगे, अभी हमको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस हमको अपना थोड़ा सा लौंग इलायची का फ्लेवर लेना है, बाकी जब इसको हम किसी को देते हैं जब सर्व करते हैं तब हम उसमें घी डाल के ऊपर से देते हैं। तो ये थोड़ा हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है, और इसमें हमने अपनी लौंग पेस्ट डाल डाल देते देता हैं, हूँ। सभी डाल लेते हैं अच्छी तरह से, पानी वानी से धो के सब डाल देते हैं इसमें, और एक पतला सा बनाते हैं, पानी इसमें खूब जाएगा, इसका तिगुना पानी जाएगा, जितना ये है उसका तिगुना जाएगा, ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं होती है, पतली होती है, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट हम बहुत से हैं और हमको 1 कप भी लेना है, तो हमको थोड़ा पतली रहेगी जब भी हमारा सही रहेगा, वरना हमारा ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा हो जाएगा खाने के लिए, और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, बरकत भी इसकी ख़त्म हो जाएगी, पतला पतला सा बनना है इसको, इसका पानी देखते हुए हम पानी इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए हमने इसमें जितनी पानी की ज़रूरत थी करीब करीब देखते हुए, और एक आइडिया से इसको काफ़ी पतला बनाना होता है, और जब ये बॉयल होगा उसके बाद उसके इसको बाद जब शुरू में ठंडा हमें होगा काफ़ी पतला बनाना है, तो इसको हमने काफ़ी इसको पानी डाल के इसको पका लिया है, और इसको अब हम बॉयल करते टाइम इसको बहुत खासा ख्याल कर रखना है इसका, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उबल के बाहर आता है, तो इसको हमको बिल्कुल ध्यान से उबालना है। अब एक बार ये बॉयल आ जाए तो इसमें अपनी चीनी वगैरह डाल के इसको कम्प्लीटली इसको डन करना है, और इसका काफ़ी ध्यान रखना है, इसको देखते हैं फिर इसकी बॉयल होने का वेट करते हैं। तो हमारी तुरी अच्छे से उबल गई है, और बॉयल होने के साथ साथ ये इसको मैंने 5 मिनट धीमी आंच पे पका लिया है, तो ये अब बिल्कुल तैयार है। और अब इस स्टेज पे हमें इसकी इसमें चीनी डालना है, जो हमने शुगर ली थी
तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। ये शुगर मेरी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, इतने में मेरे ख्याल से इसकी आधी शुगर जाएगी, करीब 50 ग्राम, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और चम्मच से चार से पाँच टेबल स्पून चीनी जाएगी। तो इस जगह पे मैं अभी चीनी नहीं डाल रही हूँ, आप लोग चीनी डाल लें, क्योंकि मेरे घर में अभी कुछ लोग चीनी अवॉइड करते हैं, तो उन लोग के लिए मुझे फीकी रखना है ऐसे को। और जैसे जैसे जो मीठा खाने वाले जब इनको लेंगे, तो उसमें मैं चीनी डाल के उसे बॉयल करके पका के, गर्म तो करनी ही होती है सर्दियों का दिन है, तो उसको बॉयल करके चीनी डाल के मैं दे दिया करूँगी। और ये बाकी ये फीकी मैं उठा के इसे फ्रिज में रख लूँगी, और ये हफ्ता 10 दिन तक हमारी कंटिन्यू चलती जाएगी, जब तक ये ख़त्म नहीं जाती, ख़राब नहीं होती। फिश आउट कर लेते हैं हम। अब हम इसमें ऊपर से घी डालेंगे, तो इसमें आधा चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से, हम जितना घी खाते हैं, तो थोड़ा चम्मच, क्वार्टर टी स्पून, हाफ टी स्पून, 1 टी स्पून, तो जितनी हमारी घी की वो है, खाने की दिलचस्पी, हमारा पसंद, उस हिसाब से हम इसमें ऊपर से देसी घी डालेंगे। और बस ये तैयार है हमारी, बहुत ही टेस्टी तुर्री बन के तैयार है। तो इस तरह से आप अगर से इससे वाकिफ़ नहीं है इस तरह की तुर्री से, तो बहुत ही ये हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है, और बहुत ही ताकत और बहुत ही न्यूट्रिशन और विटामिन और सब चीज़ों से भरी होती है। इसमें मखाने होते हैं जो कैल्शियम का स्टोर है, बिल्कुल बहुत ही ख़जाना होता है इसमें कैल्शियम का, और बादाम, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है सर्दियों के लिए, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। और इस तरह से लिक्विड ही लेने में हमारी बॉडी भी बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है। तो आप ज़रूर बनाएं, इसे ज़रूर ट्राई करें, और इसका फ़ायदे, इसका टेस्ट और इसका फ़ायदे उठाएं ज़रूर। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं है, तो एक बार आपको ये ट्राई करना बनता है, ज़रूर बनाएं और हमें फीडबैक दें, और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।